राजेंद्र जून है ना, वो तीन चार बार बना भी लिया, फिर वो ऐसा ना तो कुछ करता और ना गांव में ज्यादा आता। बताओ बताओ क्या क्या लग रहा है? राजेश जून तो है ही है। राजेंद्र जून का नाम? राजेंद्र जून चौथे नंबर पे, चौथे सबसे पाछे ने कर दिया। खत्म है खत्म है। यहाँ वोट नहीं ना वो किसी का काम आता और ना उसकी वोट पड़े, कोई मतलब नहीं। मैम ऐसा है पूरे इलाके में राजेश जून से ज्यादा कोई काम करने वाला भी नहीं है। उसने पहले भी है ना काम करे हैं बगैर विधायक होते हुए। दो दो हजार रूपए देने का वादा? ना ना मैम, दो दो हजार रूपए का कोई नहीं, ये सब खाम खा की बातें हैं। ये तो चांदी का सिक्का भी तो दिया। ये तो रक्षाबंधन के उस पे दिया मैम। भाई उस मारे भी बहन है, रक्षाबंधन पे आएगी तो सभी देते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। रक्षाबंधन पे गई? हाँ ऐसा मैडम जी, राजेंद्र जून है ना, वो तीन चार बार बना भी लिया फिर वो ऐसा ना तो कुछ करता और ना गांव में ज्यादा आता। अच्छा हाँ ज्यादा आता भी नहीं। फिर हुड्डा साहब ने अब की बार है ना 130-135 प्रोग्राम करे थे। पहली बार उसको कहा था कि आपका जो टिकट है ना वो हम आपको दे देंगे, आप बैठ जाओ इसके समर्थन में। राजेंद्र जून इसके राजेश जून को बोला था उस टाइम? राजेश जून को बिल्कुल बोला था, उसकी कमर थपथपाई थी। अच्छा। आप अब की बार बैठ, मतलब चीटिंग कर दी हुड्डा साहब ने? नहीं हुड्डा साहब ने नहीं करी। इब चली कि ना चली हो तो क्या बताऊं, ऊपर राहुल क्यों ना चलेगी, एक्स सीएम रह चुके हैं। नहीं 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 ऐसा है ना जी, अब ना भी चले हुड्डा की गणताई से। नहीं नहीं देखो मैडम जी, ये तो ऊपर वाले जाने हैं, बाकी उसके साथ मतलब ऐसा पब्लिक ज्यादा आपकी बार राजेश जून के साथ आप बहुत ज्यादा। टक्कर किससे दिखाई दे रही है, शीला नफे सिंह राठी या फिर दिनेश कौशिक? नहीं देखो जी, वैसे तो है ना चुपचाप बीजेपी की वोट है। चुपचाप बीजेपी? हाँ चुपचाप बीजेपी की वोट है मैडम जी, तो बस टक्कर में यही आएंगे जी। लेकिन ये तो बोला जा रहा है कि थोड़ा शायद हो सकता है एक भावनात्मक, क्योंकि नफे सिंह राठी के साथ जिस तरीके से उनकी हत्या हुई तो शायद कुछ वोट बढ़ेंगे। हाँ वोट हैं, नहीं वोट हैं, लेकिन गांव वाले अब की बार बहुत समझदार हैं। या हमारे गांव में जो भी कैंडिडेट आओ ना लाडों से तोल दें। कल नफे सिंह भी हमारी तो जान पहचान का था, मेरे साथ कुश्ती भी करा करता। अच्छा। पहलवान था, मैं भी साथ में गया था। अब ये राजेश जून हमारा रिश्तेदार है। अच्छा। अब एक दो वोट उसको भी देंगे, ज्यादा वोट तो राजेश जून को ही जाएंगे जी। अच्छा क्या बात है, देखिए अंदर भी जो अब और काका लोग बैठे हुए वहाँ पे जाएंगे। बताओ बताओ क्या क्या लग रहा है? बस जी ठीक है, राजेश जून तो है ही है। हाँ। पक्का है वो तो। राजेंद्र जून का नाम? राजेंद्र जून चौथे नंबर पे, चौथे सबसे पाछे ने कर दिया। अरे लहर चल रही है कौन? नहीं, खत्म है। हाँ। खत्म है बिल्कुल खत्म है। हाँ। यहाँ वोट नहीं ना वो किसी का काम आता। हाँ। और ना उसकी वोट पड़े, कोई मतलब नहीं, व्यवहारिक नहीं है मतलब। ना व्यवहारिक आदमी को ना अपने आप पे तो मतलब है उसको। अच्छा इस गाँव में कितनी वोट होंगी? वोट है इसमें 8,000। 8,000 वोट है तो 8,000 में से कितने राजेश जून को जाने के आसार हैं, कितने शीला नफे राठी को और कितने जो है दिनेश कौशिक? इतना तो हमने नहीं पता, वो पहलवान ने पता होगा इसके बारे में। फिर भी एक आइडिया तो होगा ना। आधे में ये सारे आधे में राजेश जून है बस। मैम ऐसा है पूरे इलाके में। हाँ। राजेश जून से ज्यादा कोई काम करने वाला भी नहीं है। उसने पहले भी है ना काम करे हैं बगैर विधायक होते हुए भी, और पिछले साल भी उसने मतलब पलाना था ना उस टाइम जाके हुड्डा साहब ने मिलके ये कहा था, भाई आश्वासन दिया पूरा। हाँ। अगर राजेश को टिकट देंगे कन्फर्म है। हाँ। अब की बार मारे कहने से बैठे। लेकिन ये भी तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे राजेंद्र जून ने भी ये बात बोली थी कि मैं रहूंगा और मेरे बाद तो मेरा बेटा ही रहेगा, टिकट ना जाती कहीं। तो मैम ये तो दादालाई चीज होगी ना, राजनीति करने का तो सबको हक है भाई, कोई भी आदमी हो। ये चक्कर है ना कि अब पूरे हल्के में उसका कहीं भी चले जाओ आप। हाँ। सारे को घूमो सर्वे करो हो, पूरे हल्के में वो कहीं नहीं जाता। हाँ। कोई भी काम हाँ, नहीं करता। तकरीबन हम जितने गांवों में गए हैं अब 20 साल से हमारा हल्का पूरा पीछे कर दिया उसने। अच्छा। कोई काम नहीं करा दरअसल पे। हाँ। आप रोड की स्थिति देख लो, कहीं भी देख लो, गाड़ों की देख लो, ग्रांट नहीं देते। आप अंदर गाँव में घुसोगे गाड़ उस पर इतनी रोडी करवा, कुछ दिन के बाद आया नहीं। हाँ ये है विधायक साहब का हाल। तो पूरे हल्के में तो कहते हैं हमारे घर की सीट है और अपने आप उड्डार लड़ेंगे, वे जतवाओगे हमारा कोई काम नहीं। बात बताओ ये तो बोला जा रहा है महिलाएं शायद इस वक्त इस बार अपना मूड चेंज कर सकती हैं, दो दो हजार रुपए देने का वादा? ना ना मैम, दो दो हजार रुपए के नहीं, वो तो उसकी बहन है। हाँ। अगर आप बताओ अगर मेरी बहन घर पे आएगी और वह जाएगी तो उसको चाय पानी पिलाऊंगा नहीं पिलाऊंगा? तो दो हजार रुपए का कोई नहीं, ये सब खाम खा की बातें हैं। ये तो चांदी का सिक्का भी तो ये तो रक्षाबंधन के उस पर दिया मैम।
भाई उस मारे भी बहन है रक्षाबंधन पे आएगी तो सभी देते हैं। अच्छा। हाँ उसमें ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, रक्षाबंधन पे गई। हाँ, और एक वो जो स्कीम चला रखी है कि लोटरी सिस्टम होता ना ऐसे, अक्सर 100-200 रुपए बहन जमा कराओ और इकट्ठे होने के बाद उसको ड्रा निकालते हैं, किसी को 5,000 की कोई चीज दे दी, परेश दे दी या कोई और चीज दे दी, इस तरह का पैसे का कोई मैटर नहीं है। अच्छा, पैसे का नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने भी तो अपने मैनिफेस्टो में बोला 2,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। मैडम वो तो बोला कांग्रेस ने, बोला पहले भी कब थी सरकार तब कब दे दिया, और कांग्रेस से कोई यहाँ विरोध नहीं है, कांग्रेस के तो साथ हैं, वो भी जीतेंगे तो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। यहाँ की जनता कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, पर इस जो है ना हमारा विधायक इससे खिलाफ है, राजेंद्र जून से नाराज है। हाँ, एक एक लाख रुपए के फॉर्म भर के दिए थे कांग्रेस वालों ने, झारखंड भरवा दिए थे ना, मिले लगी थी 8,000। तो यही तो बात है ना मैडम, ये झूठे वादे हैं, ये हरियाणा में भी वही दिखने वाला है, वही दिखेगा बिल्कुल। क्या लग रहा है राजेश जून कति, मतलब बात कोई खत्म कर दे मोहर लगा के राजेश जून, या कोई वक्त और कोई किसी कोई वो नहीं है जी, कहीं चले जाओ। वो आता है तो कभी धर्म में भी आता है तो 100 रुपए दिखाता है, और वो 1-1 लाख रुपए धर्म। अच्छा, कुर्सी भी चाहिए होती है बैठने के लिए राजेंद्र जून को, वो तो अगर नीचे तो बैठ ही नहीं सकते, किसी की डेथ पे जा रहे हैं वहाँ 50 आदमी तो नीचे बैठे हैं, अकेले को कुर्सी चाहिए। अच्छा। वो कहता है मेरी कमर में दर्द है, कमर में दर्द है तो भाई रेस्ट कर ले, दूसरे को दे दे मौका। हल्का हल्का तो पीछे ना जाएगा, 20 साल से हल्का पूरा पीछे कर दिया, कोई भी काम नहीं दर्द तलपा। आप गांव में घूमोगे देखो एक बार चल के, कोई गली में आए थे 4 महीने पहले उद्घाटन कर गए थे, इतनी रोड़ी डाल के वे रोड़ी भी बहगी और कहते हैं रोड बना दिया। बताओ काका, ये बोला जा रहा है कि जब से नफे सिंह राठी की जो हत्या कर दी गई तो उसके बाद सहानुभूति लोगों की इन लोग। मैडम वो तो सहानुभूति तो है, वो भी अच्छे आदमी थे ऐसी बात नहीं है, पर ये व्यापारिक थे, मतलब बैठते थे या आना जाना था गांव में, अच्छे काम भी करे हैं, और गांव के कोई भी लोग शिकायत लेके गया उसको पूरा भी करा है, नौकरियां भी लगवाई हैं, सारी चीजें लगवाई हैं, और धरातल पे जो काम हुआ वो भी करा है। कोई भी गांव की शिकायत हुई, पानी की हुई और किसी डिग्गी की हुई, बिजली की हुई, कोई भी लेके गया, विधायक ना थे तब भी नफे सिंह ने तब भी काम करे हैं। नफे सिंह की ऐसी बात नहीं है कि नफे सिंह अच्छा आदमी था, धरातल पे यहाँ काम भी करे हैं। 38 गांव है, इनमें सब मैं राजेश का ही जीत के निकलेगा, कम से कम 40,000 वोट गांव से लेके आएगा। क्या बात, इतना बड़ा। तो देखिए हर गांव का हम जो है वो सर्वे कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, राजेश जून की बढ़त जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे माहौल बदल भी सकता है, क्या होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा जी। नहीं बदलेगा मैम, ये बदलने का स्थिति नहीं है, हाँ, क्योंकि बदलाव चाह रही है जनता भी, बदलाव चाह रही है, उसको बरत के देख लिया हमने। अच्छा। हाँ, जब वो पहली बार जब ये तीनों इलेक्शन लड़े थे ना, जब यहाँ से बना था नरेश कौशिक, तो वो इसी की मेहरबानी थी, इसीलिए पिछली बार राजेश सोई ने रिक्वेस्ट करी थी भाई अब की बार तू बैठ जा, अगली बार तेरे को बनाएंगे। अच्छा। तो अब उन्होंने उसका गोत भी नहीं पूछा, अब हुड्डा साहब खुद रैली कर रहे हैं, हुड्डा साहब से नाराज नहीं है कोई भी, पर हमारे विधायक से नाराज है, उसने कोई हमारा दर्दन। तो देखिए आने वाली 8 तारीख को नतीजे जब घोषित होंगे तो वाकई में ही बहादुरगढ़ विधानसभा जो है उनके नतीजे वाकई में चौंका देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा।